मैं निधि चौधरी, मेरे किचन में आपका स्वागत है। तो आज मैं रेसिपी लेकर आई हूँ, एक नहीं दो नहीं ढेर सारी एक पूरी पंजाबी थाली आज हम बनाएंगे। तो ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, तो इसको स्किप मत करना, पूरी रेसिपी देखना। तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन है उसको ज़रूर टैप कर लीजिएगा। और उसके बाद ही अपने चले बनाने पंजाबी थाली। तो पंजाबी थाली में होता क्या है, एक सब्जी जो पनीर का रहता है, दाल फ्राई, जीरा राइस, नान, रायता, अचार, सलाद, तो वही सब चीज़ मैं आज बनाऊंगी। तो चलो ज़्यादा नहीं करते और बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं पंजाबी थाली बनाने स्टार्ट करते हैं तो उसमें पहले हम बना रहे हैं दाल बॉईल करने रख रहे हैं। तो मैंने यहाँ ली है आधा कप तुअर दाल है, ये उससे थोड़ा सा आधा है, मतलब उतना ही है चना दाल लिया है मैंने, और एक चौथाई मैंने मूंग का जो मूंगर दाल आता है वही लिया है। तो देखो मैंने इतनी में होगी 250 ग्राम जितनी, 250-300 ग्राम जितनी दाल होगी ये, मैंने सब मिक्स दाल करी है घर पे। यहाँ आप इसमें अभी मसूर दाल भी ऐड कर सकते हो या कोई भी आपको जो भी दाल पसंद है वो सब ऐड कर सकते हो, या फिर मिक्स दाल भी अवेलेबल है मार्केट में तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो अभी यहाँ दाल को मैंने अच्छे से धो दिया है 2-3 बार पानी से, अच्छे से पानी से। अब इसको हम प्रेशर कुकर में डाल रहे हैं सारी दाल, इसमें डाल देंगे अपने पानी जितना आपको सही लगे, अपने बॉईल करने में लगता है पानी उतना ही डालिए। इसमें अपने ऐड कर देंगे नमक 1/4 जितना, क्योंकि फिर बाद में अपने बनाएंगे तब भी ऐड करना है, और हल्दी, सबको अपने अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसको बंद करके अपने चढ़ा देते हैं गैस पे। तो यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर को गैस पे चढ़ा दिया है अपने 3 या 4 सीटी बजने तक उसको रखेंगे, और मीडियम आंच पे मैंने रखा है। जब तक बॉईल होता है तब तक मैं बना लेती हूँ नान के लिए आटा। तो चलो नान के लिए आटा रेडी करते हैं अपने। तो नान बनाने के लिए मैंने ये वाला जो कप है उसी का लिया है, पूरा भर के लिया था 1 कप मैदा। अब इसके अंदर अपने ऐड करेंगे 1 चम्मच जितना शुगर, 1/4 नमक, 1/4 बेकिंग सोडा, और मैंने 1/4 जितना दही लिया है वो भी ऐड करेंगे। ऐड करेंगे 2 चम्मच जितना रिफाइंड ऑयल, अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और आटा सानेंगे एकदम स्मूथ। एक चम्मच इतना ऑयल लेंगे, अपना नान का डो रेडी हो गया है, इसको अपने रखते हैं इसी में और थोड़ा सा, और इसको अपने थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं। और इसको अपने 2 से 3 घंटे मिनिमम 1.5 से 2 घंटा अपने इसको रेस्ट करने के लिए रखेंगे। तो ये हो गया है अपना नान का डो रेडी। अब हम बनाने जा रहे हैं मटर पनीर की सब्जी, तो चलो अब उसी का तैयारी करते हैं अपने। मटर पनीर बनाने के लिए मैंने कढ़ाई गरम करने रख ली है, 2 टेबलस्पून जितना सरसों ऑयल ऐड कर रही हूँ, आप रिफाइंड यूज कर सकते हो, पर सरसों तेल में क्या वो तीखापन रहता है ना, तो स्पाइसी सब्जी बहुत अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर सरसों तेल यूज़ किया है। अपना तेल गरम हो गया है, अपने डालेंगे 1 चम्मच जितना जीरा, 1 तेज़पत्ता, 2 खड़ी लाल मिर्च, 2 हरी मिर्च जिसको मैंने लंबा लंबा काट लिया है,
एक पिंच हींग, अब इसमें अपने ऐड करेंगे प्याज, जो दो मीडियम साइज का प्याज मैंने बारीक काट के रखा था वो। और बारीक बारीक मैंने दो और छोटा छोटा काट के रखा था हरी मिर्ची वही। इसमें अपने टमाटर भी ऐड कर देते हैं जो मैंने मीडियम साइज के लिए थे दो। नमक भी ऐड कर देते हैं इस पैन पे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब इसको ढक के अच्छे से पकने देते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूंगी मटर और स्वीट कॉर्न। स्वीट कॉर्न ऑप्शनल है। मटर भी आपको, मैं मटर पनीर बना रही हूँ इसीलिए मटर ऐड कर रही हूँ। आपको सिर्फ पनीर बनाना है तो आप मटर भी स्किप कर सकते हो। अब अपने इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे। एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, सब्जी मसाला और एक चौथाई गरम मसाला। नमक तो ऑलरेडी हमने पहले ही डाल दिया है तो डालने की जरूरत नहीं होगी। एक चम्मच इतना लहसुन अदरक का पेस्ट, आप घर पे बनाया हुआ भी ले सकते हो, मैंने यहाँ रेडीमेड लिया हुआ है। अब देख सकते हो अपना मसाला पक गया अच्छे से और तेल भी सेपरेट हो गया है। अब इसमें अपने डालेंगे पानी। ग्रेवी को अच्छे से मिला लेंगे। और इसमें अभी ऐड कर लेंगे हम पनीर, जो मैंने अमूल का 200 ग्राम वाला पैकेट आता है वही लिया है, वही ऐड कर रही हूँ मैं। मैंने इसमें मीडियम साइज के पीसेस किए हुए, आपको बड़े छोटे जैसे पसंद है वैसे कर सकते हो आप। अब अपने इसको पकने देते हैं। जब तक ये पकता है तब तक अपने दाल फ्राई बना लेते हैं। अपना दाल भी बॉईल हो गया है तो चलो दाल फ्राई बनाना अभी स्टार्ट कर लेते हैं। अपने दाल फ्राई बनाने के लिए मैंने कढ़ाई को गर्म करने के लिए रखा हुआ है। अभी उसमें अपने डालेंगे 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल। अपना तेल गर्म हो गया है, अपने डालेंगे 1 चम्मच जीरा, 2 कटी हुई हरी, 1 मीडियम साइज प्याज, 1 मीडियम साइज टमाटर। इसमें ऐड करेंगे 6-7 लहसुन की कलियां जो मैंने पीस कूट ली है कूटी हुई। उसमें भी नमक ऐड किया था। अपने इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे। अभी
एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला। हल्दी पाउडर इसमें ऐड नहीं कर रहे क्योंकि हमने दाल बॉईल करते समय उसी में ऐड किया था। थोड़ा मसाला अपना पकने लग गया है, देखो ऑयल भी छोड़ रहा है। 2 मिनट और पकाएंगे, अपना मसाला पक गया है। अभी इसमें अपने ऐड कर देंगे सारी दाल जो अपने बॉईल करके रखी थी वो। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी इसको थोड़ी देर पकने देते हैं, तब तक अपने जीरा राइस बना लेते हैं। अभी ये दाल पकने के बाद अभी एक और बार तड़का करना बाकी है, तो इसको पकने देते हैं थोड़ी देर। तब तक अपना जीरा राइस देख लेते हैं अपने, और सब्ज़ी भी एक बार देख लेते हैं कि सब्ज़ी कहाँ तक पहुँची है। सब्जी लगभग हो ही गई है, 2 मिनट और चलाना है। जीरा राइस हम कढ़ाई में नहीं डायरेक्ट प्रेशर कुकर में बनाने वाले हैं, तो मैंने प्रेशर कुकर को रख दिया है गैस पे गर्म होने के लिए। और मैं डालूंगी 2 बड़ी चम्मच घी। इसमें मैंने घी गरम होने के बाद इसमें 2 चम्मच जितना जीरा ऐड किया है। उसके बाद मैंने इसमें चावल धो के 2-3 बार चावल धोए और डाले हैं इसके अंदर कुकर में। और आप, मैंने यहाँ नॉर्मल राइस लिया है, आप बासमती राइस भी ले सकते हो। और मैंने अभी पानी ऐड कर दिया है, आपको थोड़ा सा ऊपर चावल के थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, ज़्यादा पानी मत ऐड करिएगा वरना गीला बन जाएगा। अब 2 सीटी बजाएंगे अपने और अपना चावल भी रेडी हो जाएगा जीरा राइस। तो रायता बनाने के लिए मैंने लिया है 1 बाउल दही। इसमें मैं ऐड करूंगी 1 छोटा कटा हुआ टमाटर, 1 छोटी प्याज, 2 हरी मिर्ची जो काट के रखी थी छोटी छोटी। पहले इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे अपने थोड़ा सा काला नमक, चुटकी भर रेगुलर नमक, थोड़ा सा धनिया पत्ता। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। दाल फ्राई का ऊपर से तड़का करने के लिए अपने 2 टेबलस्पून लेंगे रिफाइंड ऑयल। अपना तेल गरम हो गया, अपने डालेंगे 1 टेबलस्पून जीरा, 5 खड़ी लाल मिर्च, 5-6 कड़ी पत्ते, 1 हींग, कश्मीरी लाल मिर्च पिंच, और ऐड करना रह गया अपना 3-4 कली लहसुन। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा तड़के का। तो अपना तड़का रेडी हो गया है, अपने डाल देते हैं दाल में। अपना दूसरा तड़का भी रेडी हो गया है। अब इसमें अपने डालेंगे, इसको धनिया पत्ता से गार्निश करेंगे। अपना दाल फ्राई भी रेडी हो गया है, तो चलो अभी अपने चलते हैं नान की तरफ। तो नान का डो भी रेडी हो गया है, अभी उसी को अपने बनाने जा रहे हैं। अपना आटा भी अच्छे से हो गया है सेट। अब दो
थोड़ा मसल लेते हैं, इसको चिकना और कर लेते हैं, अपने गोल गोल लोइया बना लेंगे। सूखा आटा लगा कर अच्छे से इसको गोल गोल लोइया बना लेंगे अपने पहले इसकी, और एक प्लेट में रख लेंगे। सारी लोइया ऐसे ही रेडी कर लेंगे अपने। मैंने यहाँ पर सारे गोले बना के रख दिए हैं, बटर चूल्हा पे लगाते वो रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून जितना बटर लिया है, और इसमें अपने डालेंगे थोड़ा कोरिएंडर और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बटर भी अपना रेडी हो गया, इसको भी साइड में रख देंगे और अपने अब नान बेलेंगे। तवा गर्म करने के लिए रख दे रहे पहले। एक गोले को मैंने आटे में डस्ट किया है और इसको अपने लंबा लंबा बेलेंगे। और इसको पतला नहीं करना है, अपने को मोटा ही रखना है। आपको गोल बेलना है तो गोल भी बेल सकते हो आप, जैसा आपको सही लगे। मेरा चकला छोटा है तो इसीलिए छोटी छोटी नान बनेगी, आपका जैसा है उस हिसाब से आप बना सकते हो। तो मैंने ऐसे लंबा लंबा बेला है नान, और इसकी थिकनेस देखो इतनी है, तो इतनी थिकनेस आई है। अपना तवा गर्म हो रहा है, क्या करना है तो इसके ऊपर पानी लगाना है एक साइड पे, ठीक है। और अपना तवा भी गर्म हो गया है, तो ये जो पानी वाली साइड है हल्के हाथ से ऐसे प्रेस करते रहिएगा, थोड़ा सा हल्के हाथ से डालिएगा और इसको पकने दीजिए नीचे से, जब तक ऊपर तक फूलता नहीं है, फूल के आता नहीं है तब तक अपने दूसरा नान रेडी कर लेते हैं। देखो अपना नान भी फूल गया है नीचे से अच्छे से। अब अपने इसको उल्टा कर पकाएंगे चारों तरफ से अच्छे से। देखो अपना नान ऊपर से भी पक गया है अच्छे से, और नीचे से भी आपको दिखा देती हूँ कि कैसा। देखो नीचे से भी अपना नान अच्छे से पक गया है और ऊपर से भी पक गया है। तो अभी इस पे अपने बटर लगा लेते हैं अच्छे से, तो अपना बटर नान एकदम मस्त रेडी हो जाएगा। तो ऐसे ही अपने सारे नान बना लेंगे। देखिए अपनी पंजाबी थाली एकदम रेडी हो गई है, नान, सलाद, अचार, रायता, जीरा राइस, पनीर, मटर पनीर की सब्जी और दाल फ्राई। तो देखने में एकदम टेस्टी लग रही है, और अभी मैं खाऊंगी। बहुत दिनों बाद होटल का जैसा खाना मिल रहा है मेरे को, और बहुत दिनों बाद मैंने बनाया है। तो आप लोग भी ऐसे ही अपने हस्बैंड को सरप्राइज़ दे सकते हो ऐसे ही थाली बना के। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करिए ये थाली, और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटा लगेगा ये सब बनने में। 1.5 घंटे में आपका पूरा पंजाबी थाली आराम से रेडी हो जाएगा। तो आप भी ज़रूर ट्राई करिए और घर वालों को खुश करिए, और होटल जैसा खाना घर पर पाइए। तो ऐसी ही रेसिपी मेरी देखिए, आपको ये रेसिपी कैसी लगी सारी पंजाबी थाली की वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी मैं खाना खाऊंगी मस्त यम्मी यम्मी वाला।